नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बड़ा ही एक सीरियस टॉक शायद करने जा रहे हैं, जबकि हम लोग को इतना सीरियस होना नहीं चाहिए था। yes. इस स्थान से हम लोग भली भांति अवगत हैं, इस पूरे वातावरण से हम लोग भली भांति अवगत है। मतलब आपको मालवीय जी का 5 साल से आशीर्वाद मिल रहा है। यस। और 5 साल के लिए और मिलने के लिए तय हो गया। 5 साल तो अभी तय हो गया है, लेकिन 5 साल से नहीं मिल रहा है। 2 साल फिलहाल। अच्छा, 2 साल से फिलहाल मिल रहा है। यस। तो हम लोग एक पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं पीएचडी टॉपर्स टॉक का। ऑलरेडी हम लोगों ने कई लोगों से बात करी, उनके एक्सपीरियंसेस जाने, वो लोग अपना नेट में कैसे अच्छा स्कोर ला रहे हैं सब्जेक्ट्स वाइज, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, और बीएचयू में कैसे वो लोग पीएचडी में एडमिशन ले पा रहे हैं, इस चीज को भी हम लोग जान रहे हैं। यस। आज हम लोग आपका परिचय जो कराने वाले हैं, एक मिनट बीच में देखिए, वीडियो हम बंद नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम जो परिचय करना चाहते हैं आपका, अपने मेरे पूरे व्यूवर्स से और पूरे व्यूवर्स का आपसे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा प्लीज अपना थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। जी, नमस्कार सभी को, मैं विवेक कुमार तिवारी और यहीं से मैं आर्ट फैकल्टी से संस्कृत विभाग का पूर्वतन छात्र एमए का था, वर्तमान में पीएचडी इसमें नौ चयनित सुधार्थी के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और हमारे नीर जी जैसे हैं मित्र वत, काफ़ी दिनों से इनको हम जानते हैं और इनके बहुत सारे वीडियो हम भी देखते रहते हैं। इससे पूर्व में कह सकते हैं, हम लोग एमए जब लास्ट उस समय सेमेस्टर इत्यादि तैयारी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ वीडियो हम लोग भी उस समय भी देखते थे। अच्छा, आप जब जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने वाले थे तो आप मेरे वीडियोज कभी ना कभी देखने का आपको मिला कुछ, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो नहीं बार बार तो काउंसलिंग वीडियोज। यस। और आज इस इंटरव्यू में उपस्थित हुए हैं और अच्छा लग रहा है। यस, बहुत अच्छा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, आपने कुछ ऐसा किया है कि आपने खुद के लिए पल पूरा बनाया, अपने परिवार के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, तो आपका वो जो कठिन परिश्रम रहा है जी, जो आज आपको यहाँ बनाए रखा हुआ है जी। तो विवेक जी, सबसे पहले तो आप बताइए, आपको इस प्रांगण या मालवीय जी के इस बगिया में कैसा लग रहा, कैसा लगा पिछला जो आपका एक्सपीरियंस है जी, कुछ कहना चाहेंगे बीएचयू को लेकर? देखिए, बीएचयू को लेकर मैं कह सकते हैं, जो यद्यपि मैं यहाँ का छात्र तो 2 साल से हूँ पिछले, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो यहाँ के छात्र के रूप में जो बनने की जिज्ञासा, मतलब यहाँ छात्र हूँ, ये 2017 के आसपास में ही मन में पूजे। उस समय भी मैं यहाँ SVDV को लेकर एग्जाम देना था, लेकिन मैं उसको ना देकर मैं आर्ट फैकल्टी का एग्जाम दिया संस्कृत में। हाँ। और उस समय क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जो था मेरा गुरुकुल परंपरा था। अच्छा। तो उसके बाद गुरुकुल से पढ़ी हुई है। हाँ, उसके पहले। अच्छा। तो उसके बाद मैं इधर आर्ट फैकल्टी में उतना अच्छा नहीं कर पाया। फिलहाल भी एडमिशन उस समय हम लोग छोटे थे, जो भी हो हमारे बड़े भैया मार्गदर्शन करते थे। तो उस समय हम अपना कितना नंबर आया, मार्क्स आया, ये भी तक हमको अब भी नहीं मालूम है, लेकिन भैया यही कहे आप काउंसलिंग कराएंगे, कैंपस नहीं मिलेगा। मैं काउंसलिंग तो नहीं कराया, तो वहाँ के बाद मैं यही SSV से, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मिलने उस समय भी आपका प्रवेश के चांसेस थे, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, उस समय कह सकते हैं अपना जो बचपना होता है 12 के बाद, अरे छोड़ो, होगा होगा, अरे नहीं होगा, तुम्हारा छोड़ दो। हाँ, ये सोच के छोड़ दिया। यस। उसके बाद में मैं SSV के संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से वहाँ से शास्त्री का फॉर्म डाला और 1 साल बाद मैं बनारस आया। और तो मतलब बनारस से लगाव आपका पहले से है और काशी विश्वविद्यालय में आपका 2 साल का एक अनुभव रहा है। हाँ। तो इस 2 साल के अनुभव में इसको हम यही चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन अब मालवी जी के बगिया में बीते। अच्छा, मालवी जी के इस बगिया का माली हर कोई बनना चाहता है, हर कोई माली बनना चाहता है। यस, यहाँ का माली तो सभी, क्योंकि ऐसा माल जो माली जो किसी को उसको इतना उसे बहुत सारे कुछ यहीं से वो प्राप्त कर सकता है कि अन्य जाने कहीं आवश्यकता नहीं है। वो जो जिसका सर्वश्रेष्ठ जो अपना मानता वो यहीं से उसको प्राप्त हो सकता है और प्राप्त होता भी है, होता भी है। इसलिए हर कोई यहाँ का बगिया का माली बनना चाहता है, बनना चाहता है। यस। तो विवेक जी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा जी। अच्छा, बाय द वे ये स्थान थोड़ा है क्या? गोंडा इटियाठोक
वेदपुर माफी जी, गोंडा भी है माफी भी है, मैं क्या गांव का नाम है, देखिए गांव का नाम है वेदपुर माफी और पोस्ट है आया और इटिया ठोक थाना है और जिला गोंडा उत्तर प्रदेश। यहाँ से महज मेरा जो एक माइंड में इमेज न्यूज आर्टिकल के माध्यम से बन रही है वो थोड़ा ये कि मतलब मार वार थोड़ा नहीं आप गोंडा गुंडा क्यों मत जोड़िए गोंडा गुंडा में अंतर है। अच्छा आप ये हमारे आप स्वभाव से भी समझ रहे होंगे। नहीं आपका तो बड़ा कोमल और बड़ा पवित्र स्वभाव है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से जुड़ा होता है। अगर इस प्रकार से कुछ होता तो मैं आपको ऐसे कैसे स्वभाव में आता। बात ये है कि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ और मेरे लगभग 12th 11th का एक एक्सपीरियंस में हुआ कि माइग्रेट करके गोंडा कुछ बच्चे अचानक से रातों रात एक गाड़ी भर के आते हैं जी। और पता चलता है कि क्या किए थे तो उन लोगों ने अपने यहाँ के नवोदय विद्यालय में कुछ आग वाग लगा दिया था। तो पता चला कि भाई गोंडा के नवोदय बच्चे बड़ा मतलब खतरनाक होते हैं, बच के रहना चाहिए। कुछ देखिए सभी जगह वो पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ को लेकर हम उसी के तराजू में सबको तोला जाए। माफी चाहूंगा मैं तो बस एक कुछ क्वेश्चंस मीडिया का काम ही है करना तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था कि शायद आप एक्सेप्ट कर ही लेकिन आपने खुद को बचा लिया तो हम लोग थोड़ा शैक्षणिक गतिविधियों पे आ जाते हैं। यस आपका क्या रूटीन है पढ़ाई वढ़ाई का, आपने नेट क्वालिफाई किया या जेआरएफ स्कॉलरशिप भी है? जेआरएफ क्वालिफाई। वाह भाई श्रीमान जी का यूजीसी नेट में जेआरएफ स्कॉलरशिप है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितना मार्क्स आया था आपका? सर 200 के लमसम था क्योंकि मैं दो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकल गया। एमए सेकंड सेमेस्टर में ही इन्होंने जी। तो क्या संस्कृत का जो बैकग्राउंड है घर से ही आ रहा है क्या? घर से ही नहीं कह सकते हैं, संस्कृत का जो बैकग्राउंड घर से आ नहीं रहा है लेकिन बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। क्योंकि गांव में होता भी है कि बाहर व्यक्ति पढ़ने चला गया पाँच साल के पांचवी क्लास करने के बाद में, बहुत सारे ऐसे लोग अगल बगल मौसे के लड़के तो बाहर गए तो मम्मी पापा को भी लगा कि हमको भी अपने बेटे को बाहर भेजना चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत ही संस्कारवान मतलब उनको बहुत संस्कारी बना करके एक जो सभ्य नागरिक होता वहां से वो 20 साल की अवस्था में वहां से 18 साल गुरुकुल विद्यालय की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट पहली क्लास में ही मैं कानपुर के लिए गया कुछ समय के लिए और मेरे मौसी के लड़के हैं एक तो उन्हीं के साथ में गया क्योंकि मौसी के माध्यम से ही मेरे जो गुरुजी हैं वर्तमान में कानपुर वाले तो उनके रिश्तेदार में लगते थे वो। अच्छा। तो इसीलिए मौसी बोली कि आप इनको वहाँ भेजिए और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और साथ में संस्कारी मतलब जैसे सभ्य नागरिक चाहिए लोगों को वैसा वहाँ वातावरण है। तो पहले क्लास में मेरी महज आयु रही होगी 8 साल। आठ साल में पहली बार आप गुरुकुल विद्यालय गए। फिर कुछ समय बाद में वहां से क्योंकि उस समय मैं हिंदी भी सही से नहीं पढ़ पाता था। अच्छा। उस समय को तो गुरुजी पिताजी से कहा इसके बुद्धि के विकास के बजाय इसकी बुद्धि ह्रास होगी इसलिए आपको जब भी पांचवी क्लास पास कर ले तब लाइएगा क्योंकि वहाँ का नियम भी था पांचवी पास हो जाए तब भी आपका एडमिशन होगा। तो उस समय 8-10 दिन था मैं वो और वो 8-10 दिन कह सकते हैं जब तक मेरे मौसी के वो थे भैया जब तक मेरी बहुत अच्छी बीती। जैसे वो गए तो वो आंसू हम आज भी नहीं पता है कितने आंसू थे और पापा मम्मी फोन पे यही कहते थे आप आ जाइए अब बस एक बार आइए मैं घर चलूंगा कपड़ा धुला के फिर से आ जाऊंगा। और वो 4 साल के बीच में मतलब 3 साल कह सकते हैं क्योंकि मैं फिर डायरेक्ट पहली के बाद तीसरी में आया क्लास में तो 3 साल बाद में फिर वहीं पे पांचवी अर्थात 2011 में 12 में वहां पे मैं फिर से प्रवेश लिया और वहां पे मैं 2017 तक रहा। अच्छा। फिर आप संपूर्णानंद आ गए। हाँ 2017 और कह सकते हैं एक साल मैं फिर उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में पड़ता है क्योंकि उत्तरकाशी यहाँ जब एडमिशन नहीं हुआ तो मैं 12वीं में पास हुआ था तो हमको दोनों चीज की जरूरत थी लर्निंग और साथ में अर्थ की थी तो मैं उस समय पढ़ाने के लिए उत्तरकाशी में। अच्छा वहाँ पढ़ाने आप वहाँ तो मन में यही था भगवान ने हमको काशी नहीं भेजा गुरुकुल ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। हाँ अच्छा जस्ट मैं मतलब आप पढ़ने के साथ पढ़ाई भी कराते रहते हो आप जी पढ़ाते हो बच्चों को अभी भी पढ़ाते हैं आप? हाँ
फिलहाल मैं जान ही रहे हैं आप तो। हाँ अभी सर जो है BHU से ही संबंध कॉलेज है, आर महिला PG कॉलेज, वहाँ के छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छात्र होने के साथ साथ आप BHU के ही एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। Yes. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सारी किसी को कहा है मिल पाता है, ये नहीं मिल पाता है, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद, घर का, आपका प्रति, आपकी काबिलियत कोई देखिए काबिलियत के भी पीछे हम मानते हैं आपका जो मानसिक स्थिति बनाने वाले, इससे ज्यादा आपके समाज, परिवार, इनके, अगर मैं आज पढ़ने में कुछ अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो इसमें मित्र, गुरु, कहीं ना कहीं किसी का परंपरा, अर्थात साक्षात तो नहीं हो सकता लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट है। यस बिल्कुल है। हाँ इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ कि आप अपने, आप जैसे होते हो उसी तरीके से आपके दोस्त या आपके दोस्तों के हिसाब से आप बनते चले जाते हो, तो पूरा आपकी सफलता में जो ये राज है ना, इस पूरे हर चीज का सम्मिलित रूप है, आप कहना चाह रहे हैं। यस बाकी मैं कहना चाहूंगा कि जनरली मैंने देखा है, चाहे SBDV हो या संस्कृत से संबंधित कोई भी इस तरीके के छात्र से अगर मैं मिलता हूँ, वेद है, शास्त्री है, ज्योतिष है जी, तो गुरु शिष्य परंपरा चलता है यहाँ पे। यहाँ पे गुरु को सर्वथम रखा गया है। मैं अक्सर देखता हूँ आप अपने बचपन के गुरु को भी याद कर रहे थे। बचपन के मतलब मुझे याद भी नहीं, मुझे पहली बार क्लास में मैं गया था तो मेरा वहां पे कौन शिक्षक मिला था मुझे, आप उन पहले गुरु को याद कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए वास्तविकतम है भी और करना भी चाहिए, क्योंकि हम जो अगर जी रहे हैं, ये पाश्चात्य जो शिक्षा पद्धति है उसके पहले हम लोग गुरुकुल वाले ही रहे हैं। अगर उसके पहले हम देखते हैं तो लाखों में गुरुकुल हुआ करते थे और कॉलेज की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कॉलेज तो अधिक हैं तो गुरुकुल की संख्या सीमित हो गई है, बहुत ही सीमित। तो जो अगर हम उस व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ पे सबसे अच्छी चीज यह है, आपको कैसे शिक्षा को या आपको उतना नहीं मान्यता रहेगा जितना आपके व्यवहार को, व्यवहारिक शिक्षा होती है वहाँ पे। हाँ तो इसलिए आपको जो वर्तमान में सरकार बात कर रही है व्यवहारिक शिक्षा, नहीं देखिए भाई सरकार आज बात भी कर रही है और गुरुकुल खत्म करने के पीछे भी सरकार का ही हाथ है। हाँ और ये बताइए आप, पहले का परंपरा ये होता था कि स्वयं गुरु जो होता था वो अपने जो शिक्षक, जो शिक्षार्थी है उसको जैसे घड़ा बनाने वाला कुहार नहीं होता, अंदर से तो उसको हाथ लगाता है, बाहर से ठोकता है, मजबूत बनाता है, दोनों चीजें चलती थी, जैसे घड़ा होता है कुहार बनाता है तो उसमें जब जाके वो शीतलता प्रदान करने के लिए जल धारण के योग्य घड़ा जब होता है, वैसे ही जो गुरु होता है वो अपने शिक्षक को या शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को, हाँ जब तक रखता है, जब तक वो देखता है कि ये योग्य हो चुका है, इस समाज को कुछ देने लायक हो चुका है, तब तक फिर सानिध्य में रखते अपने सानिध्य में रख के उनके सभी गतिविधियों को, वर्तमान में आप दर्शन पढ़ना है तो इनके पास जाइए, व्याकरण पढ़ना है इनके पास जाइए, हालांकि एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वो गुरु इतना योग्य होता था कि उसको समर्थ होता था कि उसको सभी कुछ ज्ञान एक ही के द्वारा प्राप्त हो सके और वो स्वयं उसका नियुक्ति करता था। हर विषय का ज्ञान जो है वो बेसिक नॉलेज जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो हर एक शिक्षक के अंदर वो ज्ञान है। हाँ। कि एक छात्र को वो दर्शन के बारे में भी बता सकता है, व्याकरण के बारे में भी बता सकता है, साहित्य के बारे में भी बता सकता है, तो अपने आप में कह सकता हूँ कि सर्व गुण संपन्न है, हर शिक्षा के चीजों को सम्मिलित किए हुए अपने अंदर है। हाँ तो इस प्रकार से गुरु होते थे, इस बार भी है, लेकिन आप बहुत सारे चीजें हैं वर्तमान में, लेकिन वो जो हमको प्राचीन पद्धति में प्राप्त होती थी वो अब नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं क्योंकि मिस कर रहा है, क्योंकि शिक्षार्थी का शिक्षक के प्रति स्नेह नहीं है, स्नेह और शिक्षक का भी अब शिक्षार्थी के प्रति स्नेह नहीं रहेगा, जब तक आपस में एक दूसरे को नहीं जानेंगे, स्नेह नहीं बना रहेगा, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा करने में असफल महसूस करेंगे। देखिए सफलता लाख मिल जाए, क्योंकि आजकल तो सफलता को पैसे से आंका जाता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं। आप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी बातों से पता चल गया, आप तो अपने शिक्षक में इतनी लेक्चर दे भी गए। मैं एक जनरल कॉमन स्टूडेंट को अगर उठा लो और मैं बोलूँ कि चलो था शिक्षक पे बोल के दिखाओ, वो एक ही सेंटेंस मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने जितनी पढ़ाई करी अपने दम पे करी है। मैं बता दूं, मैं अगर कहीं ऐसे बच्चे भी हैं BHU में, हाँ मैं कह सकता हूँ अभी आर्थिक में भी हमारे शिक्षक का भी योगदान है, नाम भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए ये होता है एक शिक्षक का अपने छात्र को लेके सहयोग,
मार्गदर्शन देना, मतलब बीएचयू के ही छात्र गुरु हैं, मतलब ज्ञान दे रहे हैं, आर्थिक मदद भी दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गुरुजनों को, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम है भैया। हमारे देश में ऐसे शिक्षकों की कमी है। मैं चाहूंगा कि हर, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक बनेंगे, हो सकता है मैं भी भावी शिक्षक बनूं, तो हम लोग जो नई पीढ़ी बन रही है वो कम से कम इन नैतिक मूल्यों को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि हम लोग इन सब चीजों को भूल गए हैं, वो गुरुकुल पद्धति को, तो एज इट इज एकदम परंपरागत चीजों को तो नहीं, लेकिन नए और पुराने को मिक्स करके जो अच्छी चीजें हैं उससे एक नई पद्धति बना सकते हैं। हाँ, इस पे कहना चाहूंगा कि वर्तमान में इस पे पद्धति पे भी बीएचयू में ही कार्य चल रहा है। आप जैसे प्राचीन पद्धति SVDB और मॉडर्न पद्धति आर्ट फैकल्टी संस्कृत विभाग, दोनों का, और इन दोनों का जो मिक्सअप है भारत अध्ययन केंद्र, जो कि हमारे भारत में क्या प्राचीन जो शिक्षाएं थी उसको आज के जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था है, ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, इसमें किस प्रकार से अप्लाई किया गया और उसको हम लोग का प्राचीनता हम लोग का गायब कर दिया गया। आप एक ले लीजिए प्राचीनता में हमारा अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा मैनेजमेंट का उससे बृहद अर्थात विस्तृत और उतना सार पूर्ण, सार भी है विस्तृत भी है, और जिस एंगल से व्यक्ति आज सोच नहीं सकता वो आज के 2500 साल पहले सोची गई, और आने वाले समय भी कितने लोगों को भी मार्गदर्शित करेगी, पता नहीं मार्गदर्शित कर रही आज के उसको आधुनिकता में इंग्लिश में अनुवाद करके जितने भी है उसी का ही। मैंने अभी कुछ दिन ही पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स किया 15 दिन का, तो जितने भी हैं मॉडर्न मैनेजमेंट तो उसका उन्हीं के लाइन, उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अंतर इतना है कि जो संस्कृत वाला बच्चा है वो थोड़ा सा इंग्लिश में असहज महसूस करता है, और जो इंग्लिश जानता है वो संस्कृत में असहज, इसलिए दोनों को एक बहुत सारे असहजता का भाई था। देखो हम दोनों लोग कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं ना, असहजता महसूस करनी पड़ती है। बाल वाल हम लोग का कट नहीं रहा है ना, नहीं आप और ये इसको करने के लिए जो शिक्षक हैं वो थोड़ा अपने स्टूडेंट को इंग्लिश का प्रेरित करें कि इंग्लिश पढ़े, और मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि संस्कृत विद्यार्थी ये ना सोचे कि वो इंग्लिश ना सीखे, और इंग्लिश का विद्यार्थी ये ना सोचे कि संस्कृत ना सीखे। बिल्कुल, आगे बढ़ना है तो दोनों को लेके चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्राचीन परंपरा हमारे हैं उसको कैसे ये पाश्चात्य हम लोग का जो माइंड वॉश किए हैं कि स्वयं करके अपने को दिखलाते हैं, उसको समझे और लोगों के साथ प्रकाशित करे। बहुत सारी बातें नैतिक मूल्यों पे हुई है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम लोग शैक्षणिक ओरिएंटेड आ जाते हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं जी वो अपने फायदे के लिए वीडियो देख रहे हैं, वो चाहते हैं वो कौन सा राज है जिससे आपने नेट में ZRF स्कॉलरशिप ले ली, वो कौन सा राज है, आपने कैसे सिलेबस को कवर किया, कितने घंटे बेसिकली पढ़ा। देखिए कह सकते हैं जब मैं MA, क्योंकि BHU भी आना उससे भी एक मन में थी JNU जाना। अच्छा JNU जाने का चाहते थे। हाँ, PG में की PG में, लेकिन अच्छा हुआ वर्तमान में भी हम JNU नहीं गए, ऐसा बहुत ही गौरवपूर्ण, मतलब स्वयं को लगता है कि ठीक रहा मालवीय जी के बगिया में ही रहे। तो उस समय एक नंबर के कारण मेरा रह गया था, तो इतना मैं श्योर था, DU तीन जगह का एंट्रेंस में दिया था, BHU JNU DU। अच्छा, तो DU का हो गया था, मैं सेकंड रैंक था, छोड़ दिया था, और BHU तो हमको लेना है था, क्योंकि जब JNU नहीं हुआ तो BHU ही आना है, DU का कोई मतलब नहीं था। मतलब नहीं था। हाँ, तो उस समय से परीक्षा की तैयारी की है, तो देखा मैं नेटेस का 50-60 क्वेश्चन उस समय ही सॉल्व कर ले रहा हूँ। अच्छा, उस समय बस PG की प्रिपरेशन पे ही आप जो है वो नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। हाँ, PG की प्रिपरेशन पे। यस, तो कॉन्फिडेंस आया आपको। हाँ, 50-60% में 100 में से, क्योंकि जो सब्जेक्ट के होते हैं 100 होते हैं, तो उसमें 60 तक मेरा पहुंच जाता था। और पेपर वन उसका करना था अभी, कहता तैयारी अभी। हाँ, पेपर वन में क्या था, कुछ चीजें हमें भले ही, लेकिन संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए या अदर वाले के लिए भी, हिंदी किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, आपको रिसर्च के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, टीचिंग के बारे में जो ये सब है, कम्युनिकेशन के बारे में, ये सब यूनिट उनको अनभिज्ञ एकदम रहते हैं, कुछ नहीं जानते, तो उनको एक फर्स्ट पेपर के लिए काफी समस्याएं होती है। तो मैंने पहले ही धारणा बना ली हमारे लिए JRF का लिए होगा उपयोगी होगा, तो फर्स्ट पेपर में आपको कमांड करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मेहनत करा आपने। हाँ, तो फर्स्ट पेपर में मैंने ये कर लिया कि हमको दोनों पेपर में कमांड करना है,
हम संस्कृत में भी कितना भी चाय लेंगे बहुत जाएंगे तो 85 जाएंगे, 85 85 हम टारगेट कर ले रहे थे। हाँ मतलब बहुत जाएंगे, बहुत ज्यादा। और फर्स्ट पेपर में हमको 35 तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आप हिंदी वाले या किसी संस्कृत में, और कई लोग से मैं मिला हूँ तो बात किया, तो वो फर्स्ट पेपर केवल तुक्का वाले रहते हैं। अच्छा, कहते हैं हम फर्स्ट पेपर तुक्का मार के कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, बाकी सेकंड पेपर पे अपना मेरिट बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं उन लोग को इसके पहले भी जिसको भी बताया यही कहा, अब भी बताता हूँ कि आप फर्स्ट पे भी कमांड करिए, क्योंकि फर्स्ट में भी हम रिसर्च के छात्र बनने जा रहे हैं और उसमें आपको सभी कुछ पढ़ाना बताया, तो जब पढ़ते हैं उसमें बहुत अंदर से अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि ये चीजें होती है, ये चीजें होती है शिक्षा व्यवस्था में। तो फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहिए, साथ में सब्जेक्ट को भी लेके चलो। हाँ, और आप हर कोई, क्योंकि जो एमए लेवल आप जा रहा है तो उसका मतलब यही होता है पीएचडी में नेट जारेब देंगे, तो कहीं ना कहीं हर वो बच्चा, जैसे मैं 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, हम मानते हैं कि अगर वो भी लगाएगा तो 50-60 पहुंच जाएगा और फिर वही आपका रेस है, वहीं से आगे आप अपने जो गति है उसको छोड़िए नहीं। आप मतलब आपने जो मास्टर्स की समय जो प्रिपरेशन में जो मेहनत किया है उस लय को तोड़ो मत। हाँ, क्योंकि आप ये समझ लो कि जस्ट आने वाले समय फिर से आपको नेट देना ही है, तो उसको आप कंटिन्यू करो। यस, अच्छा कितने घंटे लगभग आप पढ़ाई कर रहे थे? कह सकते हैं 4-5 घंटे मैं अपने फर्स्ट पेपर के लिए टाइम देता था, 4-5 घंटे। हाँ, और इतने ही सब्जेक्ट के लिए, और साथ में क्लासेस भी थी, क्लासेस भी रहती थी। भाई आप बीएचयू में पढ़ रहे हो तो सब कुछ मैनेज करना, कैसे मैनेज करते थे आप? फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन था तो घर पे थे, ज्यादा मौका मिला पढ़ने का, कह सकते हैं घर पे नहीं, वो कानपुर जहाँ अपना गुरुकुल था। हाँ, बुढ़ापा में गुजरेगा क्या? नहीं, अब भगवान क्या जाने कहाँ रहे थे। ठीक, फिर तो उसके सेकंड के में जब क्लासेस ऑफलाइन हुई तो आप मित्रों से पूछिएगा, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा, फिर भी कुछ तो बतलाव के बारे में कुछ तो बतलाव। जैसे सुबह अपने आप मेरी नींद 5 बजे खुल जाती थी। अच्छा, नींद नहीं आती थी। अच्छा। और 5-7 बजे लेके लाइब्रेरी, सोते कितने बजे थे? 1-2 बजे। अच्छा, 1 बजे आप सुबह, मतलब आप नींद तो पूरा कर ले रहे हो आप, देखा? 2, हाँ 2 बजे, कभी कभार लाइब्रेरी 3 बजे भी गए 2 टाइम। तो लाइब्रेरी ही आप पढ़ाते थे क्या पूरा टाइम उस समय? लगभग, अगर मैं कॉलेज नहीं हूँ तो लाइब्रेरी, मतलब पर्याय बन चुका, मतलब क्या सेंट्रल लाइब्रेरी या साइबर लाइब्रेरी? साइबर लाइब्रेरी, पर्याय बन चुका, बैठ के पढ़ने की आदत लगी हुई थी, पर्याय बन चुका था। हाँ, कि दो, या तो यहाँ या तो वहाँ, विवेक लाइब्रेरी। मतलब अब तो फिलहाल नहीं जा पा रहा हूँ अन्य व्यस्तता के कारण। अरे अब तो आप नहीं, ऐसा नहीं है, आप रास्ता दिखाइए आप। अभी तो हम तो मानते हैं ये कुछ नहीं है, और अभी तो स्टार्टिंग है, आगे क्या क्या स्वयं बाबा विश्वनाथ करवाते हैं, हम लोग भी देखते रहेंगे। नहीं देख, और हम लोग देखेंगे, और हमें पता है कि वो फलीभूत होने वाली है। भाई आपने मेहनत, क्योंकि आपका मेहनत में उसी, आपका मेहनत में वहां से काउंट कर रहा हूँ ना, अब जब आप वो कानपुर गए तो वहां सब मैं काउंट कर रहा हूँ। वो भले आपको वापस कर दिया गया कि नहीं जाओ आप थोड़ा 5वीं 5 पास करके तब भेजना, लेकिन आपका वो वापसी आपकी सफलता के करीब ले आया। बहुत सारे चीजें हैं, अब ये सब क्या कारण है, क्या भगवान चाह रहा है, क्या भगवान जानते हैं। बेसिकली बीएचयू में क्या अच्छा लगता है आपको? बीएचयू में यहाँ का जो वातावरण है, वातावरण अच्छा लगता है सबसे अच्छा, कि यहाँ पे आपको वायु प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण नहीं, और आप बाहर निकलेंगे तो कितना फर्क पड़ता है बीएचयू के जस्ट लंका गेट पहुँचेंगे, अंतर आपको समझ में आ जाएगा, और आप फिर यहाँ इसको छोड़ने कभी नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे दर्शक हैं, विवेक जी आज शर्ट पे नजर आ रहे हैं, नहीं तो विवेक जी को आप एक नहीं, नहीं, बढ़िया वाला नहीं, तिलक और ऐसा नहीं है कुर्ता, मैंने इस तरीके का आपके व्यू देखे हैं। हाँ, इस तरीके से इसलिए देखे क्योंकि आपने कभी कॉलेज में नहीं देखा हमें, आप जो देखा कभी अनुष्ठान में ही हम लोग का मुलाकात, पूजा में हम लोग का मुलाकात हुआ। तो कारण ये है, पूजा का वस्त्र वो होता है। अच्छा, और पढ़ा तो पढ़ने जा रहे हैं तो उसका वस्त्र अलग ही है, क्योंकि हम एक कह सकते हैं मॉडर्न में भी हैं और प्राचीन से भी जुड़े हुए हैं, मतलब आप दोनों को फॉलो करते हो। यस, दोनों को फॉलो। अच्छा, आपको, हम लोग थोड़ा मॉडर्न को क्रिटिसाइज करते हैं, आपको नए
शिक्षा पद्धति तो नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छात्र हैं, जो मॉडर्न यूथ है, जो अभी जी, इनकी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, और ये बेसिकली आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप इस पे बहुत, मैं चाहूंगा कि खुल के नहीं बोलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप, मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस भ्रम को तोड़ भी दें, क्योंकि आप गुरुकुल पद्धति वाले हो, इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूँ आपसे। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो हम अगर गलत है तो मैं उसको गलत स्वीकार करने की क्षमता रखता हूँ, कोई गलत है तो उसको गलत कहने की भी क्षमता रखता हूँ। आप हमारे मित्र हैं, आपने ये गलत किया, आपके सामने कहेंगे, आपके पीठ पीछे नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छी आदत है। अब इसको सुधारिए, ये बहुत अच्छी आदत है। ठीक, और स्वयं गलत हूँ तो मैं भी स्वीकार करने के ऑन कैमरा भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो हमारा मॉडर्न यूथ है, एक तो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस उन पे पड़ा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? दूसरा, महिला मित्र के पीछे जो दौड़ है, जो उनसे लगाव होता जा रहा है, इन दोनों को तो आप अलग अलग करके आंसर दो, चाहे पहले किसी का भी दे सकते हैं। पहले मैं तो सोशल मीडिया पे आता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा चीज है, आप अगर इंस्टाग्राम पे गए, फेसबुक पे गए, तो आप कब 2 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया पता नहीं लगेगा। ठीक, आप जब तक चला रहे हैं आनंद की अनुभूति करेंगे, ठीक, और आप जस्ट आज चलाए, आप कल से नहीं चलाऊंगा, आप ये भी संकल्प लेंगे, और कल आप फिर जाएंगे, और फिर कल आदत हो गई है। ठीक, तो इसलिए जितना हो सके, और इससे कोई अछूता नहीं है, ये भी बात, कोई अछूता नहीं, कोई नहीं है, और हमारे जान में ऐसा मानना है। बाकी स्वयं एक आध वो महाप्रभु हो सकते हैं तो उनको भी प्रणाम, क्योंकि हैं, होंगे भी ऐसा नहीं, होंगे होंगे होंगे। ठीक, तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनका जो सोच लेवल है वो अपने आगे कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं वो स्वयं जानते हैं। और वास्तविकता में बहुत सारे गुरुजन तो हैं जो प्राचीनता वाले, वो तो मतलब जी बहुत सारे सर लोग हैं जो ऑनलाइन ये सब नहीं यूज करते, लेकिन इसके अतिरिक्त भी छात्र भी हैं। ठीक, तो इसलिए आप उससे बचिए, जो डूबे हुए उनके लिए क्या है, उनके लिए बिल्कुल आप उसको धीरे धीरे, एक बैग नहीं छोड़ सकते, आप 2 घंटा दिए, क्योंकि आपका रीडिंग मोबाइल सब बताता है आप कितना कहाँ पे टाइमिंग दिए, आप स्वयं वहां से अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम दिन में कितना टाइम कहाँ दे रहे हैं, किस आप यूट्यूब पे कितना टाइम दे रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे सब पूरा दिखलाता है, जानती है। हाँ, लेकिन आप यूट्यूब का अध्ययन का एक सहारा बना सकते हैं। ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने अपने ZRF निकालने में, मतलब क्वालिफाई करने में, मोबाइल का कितना यूज किया आपने? मैं कह सकता हूँ 60-70%। ओ भाई, मतलब आप कहने के किताब से, किताबों वाली पढ़ाई को कम रखे आपने, मोबाइल स्टडी को ज्यादा। देखिए, मैं यद्यपि 60% कोई भी 50% 60% क्वेश्चन लगा लेता है, तो वो आपका बैकग्राउंड है और उसमें उससे ही रहता है। उसके आगे आप MA में जो पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट रहता है। मुझे लग रहा है फर्स्ट पेपर के लिए आप ज्यादा ऑनलाइन देखे होंगे। यस, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए कंटेंट वगैरह कुछ खास मिलता नहीं है, किताबों में नहीं है उतना, किताबों में है लेकिन वो समझने के लिए किसी कठिन है, किसी शिक्षक होना जरूरी है, क्योंकि भाई वो अब तर्क सकती है उसमें, रीजनिंग मैथ्स वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह। तो इसलिए उस सोशल मीडिया से आप लोग बचिए, और यस डूबे हुए हैं तो कुछ धीरे धीरे कम करके उसको एकदम नहीं कर सकते। हम भी ऐसा नहीं है, हम भी एकदम क्या मोबाइल नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट सब बना है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे हैं सर जी, इंस्टा पे भी हैं आप? हाँ, लेकिन FB पे भी है। हाँ, सब जगह, मतलब कहने का मतलब सर ने जो बताया ना कि हम मॉडर्न और प्राचीनता और आधुनिकता को लेके चलते हैं, तो अरे हमारे बनारस का स्लोगन हाँ, वो भी तो यही है, आधुनिक बनारस और आध्यात्मिक बनारस। हाँ, यही तो है यहाँ पे। यस, आध्यात्मिक बनारस और आधुनिक बनारस। तो हाँ, कहने का मतलब आप उसको चरितार्थ कर रहे हो, ये मैं समझ गया। चरितार्थ, देखिए चरितार्थ करना एक अलग चीज हो गया। हाँ, चरितार्थ करने में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मतलब मैं बहुत भारी भरकम शब्द यूज कर दिया, माफी चाहूंगा। आप लोग शब्द की वजन को समझते हो ना भाई, संस्कृत और हिंदी वाले तो समझते हैं शब्द। इसलिए चरितार्थ करना वही कहेगा जो संपूर्ण जीवन को उसको फॉलो किया है, और आगे प्रयास तो यही रहेगा कि हम उसको फॉलो करें, अभी उसका अनुकरण करें, आगे क्या होता है। तो एक क्वेश्चन मेरा था वो महिला मित्र वाला। महिला मित्र का देखिए, आप
वास्तविकता में है, जो दुनिया है, नारस्तत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो मनुस्मृति का वचन है, वास्तविकता में वो सही भी है। क्यों? क्योंकि आप जो इस दुनिया में आप वार्तालाप कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं आधार सबसे ज्यादा माताओं का, महिला मित्रों माताओं का है। माता पहले ही वही महिला है, वही बहन है, बेटियां हैं, किसी की फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। तो आप सोचिए हम इससे बचेंगे, कभी नहीं हो सकता। तो आप उस बैकग्राउंड में और इस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, वो भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी, बगल में IIT है, तो इस माहौल में तो इससे भी अब छूते नहीं है। ठीक, इसलिए स्वयं को एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए स्वयं का मतलब कि एक लक्ष्य होना चाहिए, और मित्रता भी महिलाओं से रखनी चाहिए। और जितना हम अधिक सोच लेते हैं उनके बारे में, उस प्रकार से नहीं, एक दोस्त जैसे एज अ फ्रेंड कि हम अपनी बातों को शेयर करें, और एक दूसरे को किसी के कारण आपको कोई डिस्टर्बिंग हो रहा है नहीं, तो उसको तुरंत इतना क्षमता रखिए हम त्याग देंगे किसी को भी। मतलब पूरी कंट्रोल ही होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब दोनों लोग एकदम सजग रहो उन चीजों को लेके, कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना है ना कि पैर खींचना है। हाँ, अच्छा, आपने स्टार्टिंग बोला कि महिला पूज्यन्ते तत्र देवता, जहाँ अर्थात महिला की पूजा, अर्थात उनकी पूजा का तात्पर्य है उनका महिला सम्मान करें, महिला को सबसे पहले सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ है उनको, रेस्पेक्ट। हाँ, आप किसी से पूछिएगा तो हम पढ़ाते भी है, तो वहाँ पे हमको लगता भी है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले उनको रेस्पेक्ट चाहिए। और ये वातावरण कहीं ना कहीं जो माहौल है क्रिएटिंग, वो लोग को अर्थ पे लाके खींच के रख दिया है। लेकिन अगर उनसे आप पर्सनली बात करेंगे तो यही हमको प्राप्त हुआ, प्राप्त हो सभी को प्राप्त होता होगा। विचारों में, आपके बातों में कितनी सकारात्मकता है, कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी है सर की बातों में। मैं अगर एक क्वेश्चन किसी और से पूछता कि आप महिला मित्र पर क्या कहना चाहोगे, बात को कुछ और ही लाता, लेकिन आपने इस शब्द को भी इतना पवित्रता के साथ अभी रखा कि बनाना है, लेकिन वो जो रेस्पेक्ट है वो बनाए रखना है, क्योंकि महिला के वजह से ही ये पूरा जो संसार है आगे बढ़ रहा है, तो उससे अछूता तो नहीं रहना है। हाँ, प्रकृति की देन है, तो उसको उसमें डूबे रहना है, लेकिन पता रहना चाहिए कि आप कितने डूबे हुए हो। हाँ, ऐसा कुछ देखिए, आप सांख्य दर्शन में जाएंगे, वहाँ प्रकृति ही जो है उसी को नारी कहा गया, और वही संसार का सृजन करती है। पुरुष है वो केवल दृष्टा है, देख रहा है केवल, वहाँ पे जो सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। अच्छा, प्रकृति और पुरुष जो सृजन करता है, प्रकृति ही पूरा संसार का सृजन करता अर्थात सृष्टि करता। चलिए, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आपका मनोभाव बताइएगा। नहीं तो आप मतलब महिला मित्रों से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं क्योंकि BHU पढ़ रहा हूँ, उसके पहले भी ऐसा नहीं है, महिला मित्र से बहुत सारे वार्तालाप हैं, और इस तरीके से कि मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ ये भी नहीं, मतलब आप बैलेंस किए हुए हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। एक क्वेश्चन ये है कि बच्चा जब मास्टर्स कर रहा होता है, तो जो हमारे पूरे 4 सेमेस्टर का सिलेबस होता है, क्या ये UGC नेट के लिए यूजफुल होता है आपके सब्जेक्ट्स के लिए, संस्कृत के लिए? हाँ, कितना परसेंट, मतलब मान लो 100 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन फंस जाएंगे लगभग, अगर हम 4 सेमेस्टर पढ़ लें तो? अच्छा, 60% फंस जाएगा, क्योंकि आप जो मास्टर में पढ़ेंगे 70 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड है, जो मतलब लेवल है, आप ऊपर उच्च ग्रंथ उससे श्रेष्ठ वाले पढ़ रहे हैं, जो BMA पढ़े हैं, तो आपको पूर्व वाला रिवाइज करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आ नहीं सकते मास्टर के ग्रंथ पे। तो इसलिए पूरा सिलेबस 90% से ना निकल जाए मुंह से, तो कहीं ना कहीं संबद्ध है, ये मेरा मानना। आप संस्कृत का सिलेबस हमको तो याद है, अभी याद है, और अदर का जुबान पे है पूरा लगभग। आज की डेट में आप तो शिक्षक भी हो, आप तो पढ़ा भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं, अच्छा, आप जब शिक्षक होके पढ़ा रहे हो, तो कभी कोई ऐसा लगता होगा ना कि आपको, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर दी, क्योंकि आप जिनको पढ़ाने जा रहे हो, भाई आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो ना, मतलब भाई लोगों को स्कूल में मौका मिलता है, कोई गुरुकुल में जाके पढ़ा रहा है, आप गुरुकुल में यूनिवर्सिटी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, आप विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, कभी लगता नहीं है कि अरे यार मतलब गलत जगह हूँ, मतलब अपने आप को लगा कम आंकने लगे, ऐसा हुआ? अगर यूनिवर्सिटी मानना है तो कम आंकने की बात कहाँ यहाँ पे है, यहाँ तो कम आंकने की बात ही नहीं है, गर्वान भी थोड़ी की जरूरत है। हाँ,
और होता भी है क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बताया कि मैं 12वीं के पास में जो पढ़ाना है तो वहाँ के 12वीं के तक बच्चे थे। मतलब आप कितने साल से पढ़ा रहे हो? 8-10 साल से पढ़ा रहे हो क्या? मतलब कह सकते हैं निरंतरता नहीं रही लेकिन पढ़ाते रहे छोड़ते रहे, पढ़ाते रहे छोड़ते रहे, क्योंकि हमको अपने जो करियर है उस पर भी करना है साथ में, ये तो उस तरीके से करना था। और छोड़ने का कारण यही सब रहा कि हम उसको दोनों साथ बैलेंस नहीं कर सकते कि हमको एक करना है तो सबसे पहले हमको, मतलब जब आपका समय रहा है तो आपने हमेशा पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया है। हाँ, उसको आपने अहमियत दी हुई है पढ़ाने के लिए। माफी चाहूंगा, उस क्वेश्चन का सेंस बस इतना ही था कि आपके लिए उपलब्धि है तो उस उपलब्धि से कभी आपको डर तो नहीं लग गया, ये मैं बस जानना चाहता था। उपलब्धि से डर तो नहीं लगता और उपलब्धि ही दूसरे छोटी उम्र में मिल जाना बड़ी बात होती है। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि मतलब आप बहुत अच्छी बात है, आप तो मतलब विद्वान है तभी तो आप वहां तक पहुंचे हुए हैं, जाहिर सी बात है। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ के विद्वान के लिए हमारे लिए अभी प्रयोग मत कीजिए। आप विद्वान शब्द वही अभी बताया था आपको कि संपूर्ण जीवन निकल जाता है हाँ विद्वान बनने के लिए। अच्छा, आपने शिक्षकों के लिए कुछ बोली है, मैं चाहूंगा कि वो सुने भी इस चीज को, आप क्योंकि आप गुरुकुल परंपरा से आते हैं। मैं शिक्षकों को देखिए, वर्तमान में शिक्षक केवल अपना कर्तव्य बस गया क्लास में पढ़ा दिया, उसके बाद में बच्चा क्या कर रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसे कोई लेना देना। आप अपने सच सर को क्या बोलना चाहोगे? हमारे सर तो कह सकते हैं जैसे कुम्हार नहीं होता है कि बाहर से धक्का ठोक रहा है लेकिन अंदर से हाथ लगाया हुआ सपोर्ट लगाया टूटे ना, वो चाहे कानपुर वाले हों चाहे पे यहाँ पे भी हैं, तो मैं जिससे अगर उनसे आकर्षित हुआ हूँ तो यही सब चीज के बाहर से तो जैसे नारियल नहीं होता है वैसे खड़ू लगेगा कि कठोर है कठोर है, लेकिन आप जब अंदर देखेंगे तो नारियल कितना अंदर मुलायम होता है, जल कितना शीतलता प्रदान करता है, मधुर कितना रस उसका जल होता है। तो सर उसी तरीके से आपके हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आप अपने परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने कहीं ना कहीं आज वर्तमान समय में सुधार्थी होना एक उपलब्धि में मान के चलता हूँ, आप ना मानो, क्योंकि लोग इसको एक रोजगार के तौर पे देखते हैं। मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा मैं जो चीजें मैंने न्यूज में पढ़ी है उसकी वजह से बोल रहा हूँ, बाकी आप तो एकदम शैक्षणिक गतिविधियों की वजह से ही आए हो, लेकिन यार आप स्कॉलरशिप लगभग 45 के आसपास आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा, बाकी तो कहीं ना कहीं शोधार्थी को एक देखा जाता है कि आपको रोजगार भी मिल गया, तभी तो इतनी लड़ाई भी है इस कंपटीशन, इतना आसान नहीं है इसको क्रैक करना है, तो अपने आप में आज पैरेलल टू पीसीएस लेवल में मान लो इसको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस उपलब्धि को आपने अभी प्राप्त किया, तो अपने घर वालों को क्या बोलना चाहोगे? घर वालों के लिए बोलना चाहें, सोचा इस पे कुछ बोलने बोलेंगे आप, इस पे तो बहुत घर वाले के देखिए, क्योंकि मैं शुरू से ही घर बाहर रहा तो मैं डिसीजन जो लेता हूँ मैं खुद का लेता हूँ, और घर जो मैं डिसीजन लूँगा, हाँ बेटा ठीक है आपको क्या मेरे सहायता हो सकती है, चाहे भैया हो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, मतलब कोऑपरेटिव फैमिली है, हमें सहयोग सहयोग करती रहती है। मतलब मैं जो कहूँगा वो बात आपकी बात मानी जाती है, आपको पूरा सहयोग किया जाता है, और सबके पास भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति का स्वयं का डिसीजन होता है, मतलब फैमिली कोई दबाव नहीं कि आप ये करिए आपको नीट निकालना है, तो उसके फिर दबाव बन के वो आगे के लिए, जैसे कि आजकल अभी आज ही मैं शायद पेपर में या मोबाइल में पढ़ा था कि कोई अभी जल्दी में ही अपने घर से मिलके गया, नीट की तैयारी कर रहा था और अच्छे सब मिलके गया, वापस बात करके डिसाइड कर लिया, ये बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं छात्र कहीं ना कहीं तनाव में है, और तनाव आता है कहीं ना कहीं पारिवारिक गतिविधियों से भी आता है, प्रेशर डाल देंगे नहीं तुम्हें नीट ही करना है। दोस्त कैमरा चालू है ना, तो बाकी बहुत सारी बातें देखो होता है क्या है ना कि जब भी मैं BHU में बात करता हूँ अपने छात्रों से या फिर जब अपने मित्रों से, तो ये बड़ा इंडलेस टॉक हो जाता है, न शब्दों की सीमा है न विषय का सीमा है, बातें होती रही हैं हाँ, लेकिन हम बांधने की कोशिश करेंगे कुछ समय के दरमियान कुछ चीजें बच्चों तक पहुंच जाए। आप इन दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? ये दर्शक जो है इसमें आपके सहपाठी भी हैं जो आपके पैरेलल में हैं, आपसे छोटे तो हजारों में हैं, 60-70 हजार तो बहुत छोटे होंगे, आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आज आप इस लेवल पे हो, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, आपने इतना अच्छा कंपटीशन क्रैक किया हुआ है, तो कहीं ना ना ज्ञान की कमी आप में, ना संस्कार की कमी आप में, ना तिक्ता भरा पड़ा है आप में, क्या कहना चाहोगे आप इन लोग को? क्योंकि आप ही कह सकते हो, हम एक शब्दों में कहेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन करना,
कर्तव्य का पालन, हाँ बड़ा भारी है ये हाई है वास्तविकता में इसको समझने के लिए भी बहुत समय लग देना पड़ेगा। कर्तव्य हाँ। का पालन वास्तविकता में स्टूडेंट है हाँ। तो आपका क्या कर्तव्य है? पढ़ाई करना, ठीक, ज्ञान अर्जन करना, सबसे समान होना चाहिए हाँ। इसका मतलब ये नहीं करता, और आपका सबसे प्रथम यही है ज्ञान अर्जन, और ज्ञान अर्जन में भी बहुत सारे चीजें हैं। आप ज्ञान अर्जन कर ही लिए और आपका कर्तव्य शिक्षकों के प्रति आदर भाव नहीं है किसी, तो कोई निरीक्षण के पढ़ाई करना कहीं पर भी आप एक शिक्षा आप जब ही किसी के प्रति कह सकते हैं कि अगर हम तो मानते हैं अगर हमारा किसी छोटा भी हो तो छोटा पहले किसी मानते नहीं कि वो नौकर भी है तो हम छोटा उसको नहीं मानते, तो उसके प्रति हमारा भी आदर भाव होना चाहिए सम्मान, क्योंकि देश का राष्ट्र का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है और होना भी चाहिए, ठीक, इसलिए मेरा मानना है और इस पे ऐसा मैं प्रयास भी करता हूं। गीता भी तो यही कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वो कर्म के लिए कहा है अच्छा, तो हाँ कर्तव्य कह सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तु कर्मणि, दूसरे अध्याय का ये शायद 46वां श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेसिकली क्या इस पे आप कुछ बता सकते हैं कि संस्कृत होने की वजह से आपके पास आपके अंदर ये गुण है क्या? अगर ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इंग्लिश का बच्चा जो होगा, इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो बच्चा होगा, क्या उसके मतलब मैं जानता हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या ये सारे बच्चे जो संस्कृत से आते हैं कुछ इसी तरीके से होते हैं, उनके अंदर भर के नैतिक मूल्यों का एक भरमार होता है, उनके अंदर अपने शिक्षकों को लेके यही प्यार होता है, परिवार को लेके यही सम्मान होता है, तो ये चीजें क्या इस बैकग्राउंड से आने की वजह से आप में आता है? देखिए ये ऐसा कहा नहीं जा सकता हाँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे के आप संस्कृत में भी तो बहुत लोग प्रकार के लड़के प्राप्त हैं, ऐसा नहीं, संस्कृत वाले भी कुछ एक आध बदमाश निकलते हैं तो वो सर्प क्षेत्र में, लेकिन कम है औरों की अपेक्षा। और नैतिकता तो ऐसी चीज है कि आपको जन्मना प्राप्त होती है, वो विषय उसका चुनाव नहीं कर सकता है, विषय करता है, क्योंकि हमको जो जन्म से प्राप्त है, जो आपको फैमिली से जो प्राप्त है, उसी चीज को आप मतलब कि परिस्फुरित होता है बस आगे चल के। अगर कह सकते हैं हम गीता जो भी पढ़ते हैं तो एक माइंड में इफेक्ट भी डालता है, तो उससे भी कुछ बदलाव होता है अगर कह सकते हैं। देखिए काव्य में मैं तो साहित्य का भी छात्र रहा हूँ, वेद का भी रहा हूँ, दर्शन का भी रहा हूँ। अभी आपका जो विषय वस्तु है जो स्पेशलाइजेशन है वो किसमें? साहित्य, साहित्य में हाँ, संस्कृत साहित्य, यस हाँ, तो कुछ तो बोलना चाह रहे थे आप सांस का, उसमें प्रतिभा दो प्रकार की भाई हाँ, एक तो व्युत्पत्ति अभ्यासजन्य अर्थात अपने अध्ययन जो है व्युत्पत्ति हम कितना उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं हाँ, और दूसरा अदृष्ट जो पूर्व जन्म का जो लोग मानते हैं, ठीक, तो वहाँ पे इस दोनों का योगदान रहता है। आप बहुत सारे आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा भी देखा गया है, फैमिली बहुत अच्छी है, माता पिता सब बहुत सत्य हैं, बच्चा गलत संगत से लिप्त पाया गया, ऐसा भी गया पर फैमिली बहुत खराब है लेकिन बच्चा संस्कारवान, संस्कारवान, तो वो स्वयं के क्या करता है, वो सोचता क्या है और उसको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुण क्या है वो ज़्यादा माने रखता है, ठीक। और आप कुछ इसमें? मैं समझ गया आपकी बातों को, मैं समझ गया दोनों चीज़ें बैलेंस में है, एक तो इस ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती हैं कि अगर बैकग्राउंड खराब है तो आप अच्छा नहीं बन सकते हो, और ये भी सही नहीं है कि बैकग्राउंड अच्छा है तो आप बुरा नहीं बन सकते हो, हम पे ये डिपेंड करता है हम कैसा बनना चाहते हैं। अगर हम सजग रहें, चेतना अपने मानस पटल को चेतनापूर्ण यूज यूटिलाइज करें तो कहीं ना कहीं हम अच्छा इंसान तो बन ही सकते हैं। हाँ, देखिए अभी ये सभी गुण आप में आ जाएंगे जो आप में हैं। हमारे अंदर क्या गुण है ये मैं स्वयं नहीं जानता, नहीं आपको यही तो आपकी वो है ना, मतलब बड़पन हाँ, ये है कि मेरे अंदर कमियां क्या है मैं उसको जानने प्रयास करता हूँ लोगों से हाँ, तभी तो आदमी सही करेगा अपने आप को, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और जैसे ठीक है अच्छा, हम लोग कुछ और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। बी एच यू की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? सबसे अच्छा प्लेस क्या, डिपार्टमेंट, वीटी, लाइब्रेरी, रोड, क्या है सबसे अच्छा प्लेस हाँ आपके लिए?
सबसे अच्छा प्लेस जो कह सकते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपके सबसे अच्छा रहा है, लाइब्रेरी या बीटी, या तो बीटी। अच्छा, और बनारस कैसा लगा आपको? बनारस, वाराणसी? वाराणसी से पता तो दिया, यहाँ से भागने की प्रयास करेंगे तब भी यहाँ से मोक्ष की नगरी है, और भागने की प्रयास करेंगे तो हमको बाबा विश्वनाथ यहीं खींच के रखेंगे। मतलब आपने मेरा भविष्य देख लिया है मुझे लग रहा है। 50 साल अभी तक लगा जो 50 साल यही नहीं पता नहीं। अरे आप फ्लैटेड में पढ़ा ही रहे हैं, कल को मेन कैंपस में पढ़ाएंगे और क्या। नहीं पढ़ाने के लिए तो हमको दोनों साथ एक साथ का नहीं कर सकते कार्य, नहीं आगे चल के आगे क्या होगा आप देखिए, वर्तमान में आप रूम से निकलते हैं, आगे क्या होने वाला आप भी नहीं जानते। लेकिन अपने कर्मों भरोसा होता है वो तिवारी जी। होता है लेकिन कुछ माइनस पॉइंट भी रहते हैं व्यक्ति के। चलिए आपसे बातों में क्या कोई जीत पाएगा। हाँ बात को इतनी शालीनता से मैंने कम लोगों को रखते देखा है कि आप में खूबी है और मैं इसका बड़ा ही सम्मान और आदर करता हूँ। बस यही है कि आप इस तिवारी जी के इन पूरी बातों से एक बात आप सीख सकते हो कि देखो भाई नैतिक मूल्यों का एक अहम योगदान होना चाहिए। जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं आपका बेस्ड होना चाहिए कि आप उससे समाज को कितना कुछ दे सकते हो। हाँ मेन यही है क्योंकि हम लोग का जो परम प्रयोजन था, जो लक्ष्य है लास्ट में यही आता, हम किस निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, कुल मिलाकर लास्ट में यही आना है। हाँ क्योंकि ये गिलहरी भी रामायण कथा सुनी है। देखिए रामायण जितने भी आप संस्कृत को अगर नहीं मानने वाले हैं फिर भी यही कहेंगे वहां